तो हेलो गाइस, वेलकम बैक नई वीडियो में। मैंने ले लिया नथिंग का मोबाइल, नथिंग फोन 2, और इसका चार्जर, इसका डिब्बा वगैरह सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं ब्लॉगिंग के लिए लिया है बेसिकली, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स। लेकिन आज हम ट्राई करते हैं टेक ब्लॉगिंग करने का। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, मोबाइल के बारे में, और ये ब्लॉगिंग के लिए ठीक है या नहीं वो भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। बाकी चलो इसके खोलते हैं, अनबॉक्स करते हैं। वैसे अनबॉक्स ऑलरेडी हो चुका है, मुझे 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑलरेडी यूज़ करते हुए, 2 से 3 हफ्ते के बीच। तो मैं बताता हूँ कैसा क्या मोबाइल है इसके बारे में। तो ये हमारा मोबाइल, तो ये डिब्बे को अपन ओपन करते हैं, और डिब्बे में अपन को ये मिलता है जो दैसे में जैक्टर, ठीक है। बहुत प्यारा लगता है ये, कमाल का लगता है, ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है। इसके अंदर हमें ये कॉपी किताबें मिलती हैं जो हम ज़्यादा यूज़ वगैरह नहीं करते, क्या करें। और मोबाइल जो मैं ऑलरेडी अनबॉक्स ले चुका हूँ तो वो तो आपको दिख ही रहा है। और ये केबल हमें मिलती है जो दोनों टाइप से टाइप सी होती है। मैंने मंगाया था अपना ये चार्जर जो कि है नथिंग का ओरिजिनल वाला, इस डिब्बे में बढ़िया आया था अच्छे से। और ये टायर भी है इसके साथ, तो ये सब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं खास। अब सीधा मोबाइल पे आते हैं, कैसा क्या लगा और मेरा क्या रिव्यू है। रुको थोड़े पास आने दो। तो देखो मोबाइल जो है बढ़िया मस्त, इसकी जो थीम है, जो नथिंग की ओरिजिनल थीम है वो ये वाली है, मोनो एकदम ब्लैक एंड वाइट थीम। जिससे मतलब इस ये मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा था, जो फाउंडर इसके नथिंग के, काल पे ही नाम है, जो वन प्लस के रहे हैं। इससे पहले मेरे पास वन प्लस का मोबाइल था, तो वो फाउंडर का बहुत बढ़िया मुझे बिलीफ सिस्टम लगता है। जैसे जो स्टीव जॉब्स नहीं है जिन्होंने एप्पल बनाया था, एप्पल कंपनी के फाउंडर है, उनके जैसा एकदम माइंड सेट है, उससे भी साथ हुआ ठीक ठाक। तो उन्होंने बताया था ये थीम इसलिए दिया जिससे कि लोग कम यूज़ करें मोबाइल का, थोड़ा बोरिंग सा लगे, और मतलब कम यूज़ करें, मिनिमलिस्ट यूज़ करें, ज़्यादा ऐप्स में ना घुसे, सब एक ऐप्स एक जैसे लगते हैं ब्लैक एंड वाइट टाइप। तो अच्छा लगा मुझे ये सोच, बहुत अच्छी लगी कम यूज़ करना। बाकी मैंने जो लिया है मोबाइल वो 512 GB स्टोरेज है इसकी इंटरनल स्टोरेज, 12 GB रैम है, क्योंकि मुझे ज़्यादा वीडियोज़ का काम होता है तो मैंने ज़्यादा स्टोरेज वाला मोबाइल लिया, जो ऑब्वियसली सबसे टॉप मॉडल था, इससे ऊपर कोई GB की थी। मोबाइल के बारे में तो मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब क्या रिफ्रेश रेट है इसकी, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, बहुत आराम से सब कुछ खुल जाता है, सब ओपन होता है, मज़े आते हैं मतलब मोबाइल चलाने में, इतना स्मूथ सा लगता है ना, बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है इस मोबाइल का। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा इसकी बात करूँ तो बहुत ये ग्लास का बना है, बहुत ड्यूरेबल है, मतलब मैंने वीडियोस देखे थे, कुछ ब्लॉग्स देखे थे, तो बहुत पता चला बहुत ही मजबूत है ये चीज़। और इसका जो कर्व है थोड़ा सा इधर से, ठीक है, और थोड़ा आईफोन जैसा फील देता है, क्योंकि थोड़ा मोटा अच्छा खासा मोबाइल है, ताज़ा बढ़िया मोबाइल है, ठीक है। तो अगर कहीं से गलती से गिर मिर भी जाए तो मोबाइल को ना कुछ आँच नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत तगड़ा मोबाइल है। इसको जैसे ये लॉक स्क्रीन इसकी बहुत सही लगती है, अपने आप ही है। ग्लिफ्स इसकी जो लाइटें हैं, जो लाइट जलती है, रुको मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं ये मोबाइल अगर रख दूँ ऐसे तो ये ऐसा कुछ जलेगा, शायद आपको दिखाना। अब मैं कोई गाना बजा के दिखाता हूँ आपको, तो गाने चलने वैसा भी दिखता है, मस्त म्यूजिक को विजुलाइज करता है। इसकी ग्लिफ्स मुझे अच्छे लगे, जब मोबाइल चार्ज पे लगाते हैं तो ये नीचे वाला जलता है, जब हमें मुझे वॉल्यूम ऊपर नीचे करनी है तो ये होता है, कम करनी है तो ये होता है, ऐसा। तो ये बहुत सही चीज़ लगी मुझे। जब इसका कैमरे की बात करते हैं, कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का है, थोड़ा मुझे कैमरे से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जो फ्रंट कैमरा मेरे वन प्लस का था वो मुझे अच्छा लगा था, उसमें बढ़िया लगती थी वीडियोस वगैरह मुझे। लेकिन इसका भी ठीक है, डिसेंट कैमरा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, बट इसमें यह है कि मोशन वीडियो, जैसे जो एप्पल में होता है ना, ज़्यादा हिलते हैं, हिलते हुए वीडियो बनाओ तो स्टेबलाइज कर देता है, ये भी कर देता है कुछ हद तक, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी मुझे आईफोन नहीं लेना था, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली मैं ले सकता था उसी रेंज में आता है, ये जो उसी रेंज में पड़ा है, बट मुझे एंड्रॉइड की तरफ ही जाना था, एंड्रॉइड में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, मैं जो ऐप्स यूज़ करता हूँ, सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, वो एंड्रॉइड के लिए ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसलिए मैं iOS आईफोन की तरफ नहीं गया।
इसका ये केस कवर वगैरह मैं लगवा दिया था उसमें। बाकी मैं देखो कोई टेक व्लॉगर नहीं हूँ, इसके स्पेक्स वगैरह मैं क्या ही बताऊँ। बढ़िया मोबाइल लगाओ मुझे, मुझे नहीं आता यार इसके स्पेक्स वगैरह करते कैसे क्या बताते हैं लोग। मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। अभी मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ इसी चैनल पे, जो कि परसों से आना स्टार्ट होगी, डे वन डे टू डे थ्री। अब वो क्या होगी सीरीज बहुत एक्साइटिंग है, मतलब बिना पैसों के कैसे ट्रैवल करना उसी के ऊपर रहने वाली है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और आई होप आपको अच्छा लगा हो। नथिंग फोन टू बढ़िया मोबाइल है, देखते हैं इससे। अब मैं इसी से ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, इसी से वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो बताना कैसी क्या क्वालिटी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। एंड अगर आपको ये मोबाइल लेना है, या फिर ये जो माइक मैं यूज़ करता हूँ, कुछ मैं गैजेट्स जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, उसकी मैं लिंक डालूंगा नीचे, तो आप उधर से क्लिक करके बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाय। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है मोबाइल के रिलेटेड, वो आप मुझसे कमेंट में पूछो। मुझे पता नहीं क्या क्या आपके सवाल होंगे, बट जितने मुझे पता होंगे उनके मैं आंसर आपको कमेंट में ही दे दूंगा। ठीक है।